विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के। सुजात बुखारी साहब हमारे नए मेहमान हैं, राइजिंग कश्मीर एडिटर हैं आप। संबित पात्रा साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इंजीनियर राशिद अहमद हैं, आप निर्दलीय विधायक हैं। सुष्मिता देव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संबित साहब, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, गिरफ्तारी जरूर होगी और चंद घंटों का ही सवाल होना चाहिए, जरूर पर गिरफ्तारी होगी। होगी, क्यों गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाए, पाकिस्तान के फेवर का स्लोगन कहा जाए, ये किसी भी कीमत पे किसी भी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं है। और इसके खिलाफ आईन भी है, कानून भी है, और इसी कारण से ऑलरेडी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 13 लगाया गया है मसरत आलम पे और उन तमाम लोगों पे जो इसके कारण जिन्होंने ये किया है। तो ये हिंदुस्तान का कानून है, जो भी कानून के बाहर काम करेगा। तो लेकिन ये कानून वहां आपकी सरकार है, अगर इतने सारे लोग वहां जमा आ गए, लोग रैलियों में भी लोग नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ भी ये कानून लगाया गया, FIR दर्ज हुआ, या सिर्फ एक मसरत आलम को हमने प्रतीक बना लिया जो कि सही भी नारे भी लगा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। हिंदुस्तान लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने विषय को अपने तरीके से रखने की आजादी सबको है। उसका अर्थ ये नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है, मगर प्रोटेस्ट हो सकता है, इसका अर्थ भी यह नहीं है कि आप पाकिस्तान के झंडे फहराएं और प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश करें, दोनों में पार्थक्यता है। तो ये रैली हो कैसे गई आपकी जब? नहीं, आप बिल्कुल बहुत वाजिब प्रश्न है, और मैं तो बिल्कुल हमारे पार्टी में जो दस्तूर है, जो फर्स्ट लाइन आप पार्टी के कार्यालय में देखेंगे वो है कि कंट्री फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सेल्फ लास्ट। इसी दस्तूर को फॉलो करते हुए मैं कहूंगा कि बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, वाजिब है, ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। और वो कैसे लाइव टेलीकास्ट हो गया? तो खैर आजकल वेब नहीं, वो आपका फ्रीडम है, वो आपका फ्रीडम है, आप क्यों नहीं करेंगे लाइव टेलीकास्ट? नहीं, जैसे सरकार विरोधी लिखने पे सरकारों को पता चल जाता है, तो वैसे कश्मीर में अगर पाकिस्तान तक लाइव हो रहा है तो वो तो पता चल ही जाता होगा वेबकास्ट। नहीं, देखिए आजकल दुनिया बहुत छोटी है, इसमें लाइव टेलीकास्ट होता है और पूरे विश्व में इसका विषय जाता है, इसलिए। और मणिशंकर अय्यर ने जो एक बात कही, उस बात पर आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? इस तरह की आवाजें रही हैं और इसको अकलियत मानना चाहिए, माइनॉरिटी वॉइस, ये कश्मीर की आवाज नहीं है। देखिए, वो टेररिस्ट जो बंदूक चलाकर लोगों को मार देता है AK-47 में, वो भी तो अकलियत है, वो भी तो 3-4 ही होते हैं जो हजारों को मार देते हैं, तो क्या उनकी आवाज सुननी चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अकलियत हो या मेजोरिटी, अगर आप आतंकवादी मान चुके हैं तो फिर नहीं, मैंने आतंकवादी भी नहीं कहा, मैंने एक सिमिली ड्रॉ किया, मैंने एक एग्जाम्पल उदाहरण ड्रॉ किया कि चाहे वो कम में, बदमाश हमेशा कम में होते हैं, उसका अर्थ ये नहीं होता कि उनकी आवाज को ठीक है, अगर रिफॉर्म कर सके वो अलग विषय। देव जी, सुष्मिता देव जी हैं कांग्रेस से, प्रवक्ता हैं। आपकी इस घटना पर मणिशंकर अय्यर वाली प्रतिक्रिया है, या आप वैसे ही कुछ सवाल करना चाहती हैं जैसे बीजेपी चुनाव के वक्त बिरयानी को लेकर किया करती थी? मैं यही कहूंगी कि समित जी आज जो बोल रहे हैं इस शो पर, ऐसा लग रहा है कि वो किसी तीसरे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। मैंने सदन में राजनाथ सिंह की जो भाषण था वो मेरे को आज वो याद आ रहा है कि आक्रोश हमें भी है, कि सिर्फ ऑपोजिशन को नहीं, आक्रोश हमें भी है। और मसरत आलम को कैसे छोड़ा गया, मैंने रिपोर्ट मंगवाई, पर सच्चाई ये है कि 4 फरवरी को जब होम सेक्रेटरी जी ने चिट्ठी लिखा था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कि ये डिटेंशन ऑर्डर लैप्स हो रहा है, तब जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल था, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, तब मसरत आलम को छोड़ा गया, तब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था और उनकी बेटी ने कहा था जो सांसद है कि इट इज अ हीलिंग टच। राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश के हित में हम पहले काम करेंगे, बाद में पार्टी और उसके बाद सेल्फ, जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी की जो अब इस वक्त जो आवाज है वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के बारे में बोल रहे हैं, जबकि PDP और बीजेपी की सरकार है, ही शुड बी आंसरेबल, वो सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि क्या हो रहा है। नहीं, आपका क्या सवाल है? आप मणिशंकर अय्यर की बात को मौका देना चाहती हैं, या आपको लगता है कि संबित पात्रा को आज कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? वो एक माइनॉरिटी की आवाज है, इस तरह की हरकतें जम्मू कश्मीर में होती रही हैं,
और देखिए सवाल सवाल ये अगर वो ताकत होते तो चुनाव में उनको कभी समर्थन मिलता जो मिला नहीं। मणिशंकर जी जो कह रहे हैं कि इट इज द वॉइस ऑफ माइनॉरिटी, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर की आवाम ये नहीं चाहती, ये एक हिस्से के लोग हैं जिनकी ये आवाज है। सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये है कि आज सेंटर में बीजेपी की सरकार है, जम्मू एंड कश्मीर में उनका अलायंस है, पीडीपी के मुख्यमंत्री है, डिप्यूटी सीएम है। सवाल ये उठता है कि ये क्या कहते हैं आज, ये क्या ये सही है कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तीन चीज अभी फिलहाल तो कर रहे हैं। आप अलायंस तोड़ दीजिए ना, क्या बोल रहे हैं? मैं इसका अगर आप कहते हैं सत्ता हमारे लिए जरूरी नहीं है, आज देश हमारे लिए जरूरी है, देश के हित में हम काम करेंगे, इंडिया फर्स्ट, तो फिर क्या ये अलायंस सही है इस परिस्थिति में? मैं बड़े देखिए प्रवक्ता तो मैं बीजेपी का हूं और मैं बीजेपी के पक्ष को रखूंगा, मगर आजकल मुझे लगता है तोड़ दीजिए, नहीं मैं उसका उत्तर दे रहा हूं और बड़े गंभीरता से देना चाहूंगा। ये तूतू मैं की डिबेट्स क्या ये विषय नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि देखिए आजकल पॉलिटिक्स में एक बहुत दो अहम शब्दों का कमी है, वो है एक पेशेंस और एक मैच्योरिटी। हम लोग में ना तो पेशेंस है क्योंकि हमें जल्दी से लोगों को जीतना है, विपक्ष में आप थे तो जिसने बिरयानी नहीं मांगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर यहां मेरा स्टैंड डिफरेंट रहेगा बनिस्बत कांग्रेस का जब वो सरकार में थी। मैं सुष्मिता जी के कुछ बातों से सहमत हूँ कि मैं आज ऐसा लग रहा है मानो थर्ड पर्सन से मांग रहा हूँ। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आज आप फंस गए? नहीं, इतना गिल्ट मैं फंसा नहीं हूँ, मैं फंसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपराध बोध क्यों लग रहा है? मुझे विश्वास है पार्टी पे, मुझे विश्वास है सरकार पे, इसलिए मैं फंसा नहीं हूँ। मगर सुष्मिता जी का ये पॉइंट है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं थर्ड पर्सन से डिमांड कर रहा हूँ, मगर मुझे ये भी एक तरह से तो वो सही कह रही है, इस मामले में वो सही कह रही है कि भाई जब आपकी सरकार है तो आप तो आए थे कि हम एक्शन वाली सरकार में, इसलिए मैं कहूंगा बताइए क्या वो गिरफ्तार हुआ जी? मैं आपको घेरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर उस रैली में लगा तो क्या आप गिलानी को भी गिरफ्तार करेंगे, मसरत को भी गिरफ्तार करता हूं? चंद घंटे इंतजार करिए जरूर। आपने सीएमपी में ऐसा कहा है कि आप अलगाववादी ताकतों से बात करेंगे जो वाजपेयी जी ने शुरू किया था, तो क्या आप इन लोगों से बात करेंगे ना? दो तीन चीज जब आप ये कह रहे हैं तो आपको पता है कि ये पहले से कैसे नारे लगाते रहे। रवीश जी हमने कहा था कि हम अलगाववादियों से बात भी करेंगे और एक स्टेप बढ़ के हमने तो एक अलगाववादी को मंत्री भी बनाया क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर कोई मेन स्ट्रीम से जुड़े, मगर अलगाववादी से बात करेंगे इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अलगाववादी प्रो पाकिस्तानी स्लोगन करके लोगों को भड़काए और वो अलगाववादी पाकिस्तान का झंडा फहराएगा, ये तो हमने सीएमपी में नहीं कहा है। बुखारी साहब मैं तो कश्मीर के बारे में व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे अफवाहों से, सांप्रदायिक अफवाहों से ही ज्यादा जानता हूं और समझता हूं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो कांग्रेस की लाइन है और जो संबित साहब आपको मजबूर नजर आ रहे हैं या दुविधा में नजर? देखिए मुझे सबसे पहले इस बात का बहुत अफसोस है कि ऐसा क्या हो गया, मुझे अगर कश्मीर मुझे, के बाहर के लोग जानना चाहें मुझे, ऐसा क्या मुझे हो गया इस बात का बहुत, क्योंकि देखिए कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कई लोग बहुत नाराज हैं, राजनाथ सिंह पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं ट्विटर पे देख रहा था, सही मुझे बहुत नाराज हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि दिल्ली के स्टूडियो में ये तय किया जा रहा है कि किस बंदे को, हम कुछ नहीं सुनिए मुझे मुझे माफ करें आप कि दूसरे चैनल का यहाँ हिजबुल पर टाइम मत बर्बाद कीजिए, आप इसके पॉइंट नहीं सुनिए ना मेरी बात, आप मुझे बात तो करने दीजिए कि त्राल में किसी नौजवान को मारा गया उस पर किसी ने बात नहीं की, यहाँ टीवी चैनल्स में आप डिस्कस कर रहे हैं कि किसको गिरफ्तार किया जाए और किसको गिरफ्तार नहीं किया जाए, ठीक है ना? वो इसके लिए कहा जाए कि उसने पाकिस्तान के नारे लगाए और पाकिस्तान का झंडा लहराया। जैसे आपने खुद कहा कि 47 से लेके ये स्थिति रही है रियासत जम्मू कश्मीर में, ये पहली बार नहीं है। 84 में जब क्रिकेट मैच खेला गया, 87 में खेला गया, उसमें भी पिच खोदा गया था, जब मुरारजी देसाई एज प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आए तो उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान का गाजी आया, तो एक फैक्टर रहा है पाकिस्तान वहां पे। लेकिन उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि 71% जब वोटिंग हुई तो इसको पूरी दुनिया में हमने कहा कि देखिए जी आज डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कश्मीर में मजबूत हुआ और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में रिपोज तो फेथ एक मुझे बात मुकम्मल करनी थी। जब हमने कहा कि 71% लोगों ने वोट दिया और उस वोट के नतीजे में एक सरकार वहां पे बनी, लेकिन जब एक सरकार कोई काम करती है वहां पे तो उसको यहां पे कहा जा रहा है कि नहीं जी आपने इसको छोड़ा और इसको, आप
जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है आप उन पे छोड़ दीजिए, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। मैं जरूरी नहीं है कि राम माधव ने भी कहा है कि स्टेट को एक्शन लेना पड़ेगा, है ना, स्टेट को एक्शन लेना पड़ेगा, लोग ही नहीं, मतलब बीजेपी भी वैसे ही रिएक्ट कर रही है। नहीं, देखिए स्टेट तो एक्शन लेगी, 70% लोग आवाम सरकार के साथ है, राजनीतिक प्रक्रिया के साथ है, तो ये बहुत कम माइनॉरिटी वाले लोग हैं, ये सबको जानते हैं। फिर इनके खिलाफ एक्शन लेना तो बहुत आसान है, 24 घंटे के क्यों देरी। मेरा मेरे कहने का मकसद ये है कि जितना एनर्जी और जितना एयर टाइम इस एक बंदे पे आप खर्च कर रहे हैं, अगर आप 1.2 बिलियन के लोगों के लिए कुछ और भी करते, आप इसे मत टालिए ना, फिर तो ऐसा तो हर मुद्दा जो उठाएंगे ना वो दूसरे मुद्दे के मुकाबले में नाइंसाफी होगा, है ना, हर मुद्दा जो है बाकी 900 मुद्दों के खिलाफ होता है। मेरी बात, लेकिन जो हमारे दर्शक कश्मीर के बाहर हैं आप उनको बताइए ना कि वो इस मुद्दे को कैसे देखें, क्या वो सीरियसली नहीं लें इस बात को लेके, क्या वो वहां की सरकार को ये करते हुए नहीं देखना चाहें कि वो एक्शन ले जो पाकिस्तान का समर्थन करती है, आप उनको बताइए। देखिए कल जो वहां पे पब्लिक मीटिंग हुई वहां 3000 लोग थे, उसका क्या मतलब है कि आप 3000 लोगों को जेल भर देंगे, उन्होंने भी यही नारे लगाए वहां पे। एक्चुअली इशू है कि इसको एक बड़े लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है, वो ये है कि जब तक आप पॉलिटिकली इस इशू को अप्रोच ना करें, आप मुझे बताइए 2003 से लेके 2008 तक जब ये जो तरीका है, जैसे बीजेपी का ही तरीका है कि जैसे सुष्मिता कह रही हैं कि अलायंस तोड़ें, ये कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश सबसे आगे है सेल्फ और गवर्नमेंट के बाद, तो पॉलिटिकल रास्ता आपको इसमें क्या दिखा सर? मैं वही कह रहा हूं कि 2003 से लेके 2008 तक जो डायलॉग प्रोसेस दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में, दिल्ली और श्रीनगर के बीच में हो रहा था, आपने उन 4 सालों में इस किस्म की कोई सिचुएशन देखी? क्योंकि देयर इज एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट इन कश्मीर। आप कह रहे हैं कि इसको गोली से हल करेंगे हम, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, एक एंगेजमेंट नहीं है, नो देयर इज, उसकी वजह से ये सब परिणाम, देयर इज डेस्पिरेशन ऑन पीपल्स साइड। आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए कि देयर इज अ डिस्प्यूट, देयर इज अ पॉलिटिकल एस्पिरेशन, उनके साथ बात करो, एंगेज करो जैसे पहले बात किया गया, इससे कुछ नहीं होगा। आज आप देखिए, संबित ने एक बात कही, संबित ने एक बात कही, 25 FIR आपने लगाए हैं, संबित ने एक बात कही कि जो लोग एंगेज होना चाहते हैं हम बात करना चाहते हैं, पर जो चाहते ही नहीं है ऐसा संकेत कहां तो कैसे बात, कहां एंगेजमेंट का रास्ता है मुझे बताइए, कहां पे आपने शुरू किया? देखिए ऐसा है कि जो बात समित, इंजीनियर साहब एक मिनट में आ रहा हूं बस, हाँ, जो बात समित नहीं कह पा रहा है वो मैं कहता हूं, इस सरकार को किसी भी कॉस्ट पे सक्सेसफुल होना पड़ेगा और इसका दायित्व दोनों पार्टीज पे आता है और काफी हद तक उन पॉलिटिकल पार्टीज पे भी आता है जो कभी सत्तारूढ़ रही हैं कश्मीर में। देखिए ये दो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग मैंडेट पे जीती, वो रिलीजियस मैंडेट भी आप कह सकते हैं, आप उसको टेरिटोरियल, आप उसको रीजनल मैंडेट कह सकते हैं, क्योंकि उनका एक रीजन में मैंडेट था, उधर मैंडेट था। अगर ये सरकार रवीश फेल करती है तो जो भारत का रेजन दियत्र है, जो कोर है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। ये सरकार अगर फेल करती है तो इस बात की मिसाल होगी, पर ये सब चीजें होंगी तो फिर इस सरकार पर फेल होने का दबाव तो बढ़ेगा। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं इस बिल्कुल भी इस मसले में जा ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस मसले को आपने इत्मीनान से हल करना है, उत्तेजना से नहीं करना है। किसी एक आदमी ने वहां झंडा लहरा दिया, ये 3000 बोला गया है, मेरी नॉलेज यह है कि वहां पर 1500 से 2000 ठीक है जितने भी हो, हाँ। उसने झंडा हिलाया, हमने पहली बार नहीं देखा है, लाल चौक में 20 बार देखा है हमने होते हुए। ये इस सरकार को इसलिए सक्सेसफुल करना है कि जो आइडियोलॉजिकल फेस ऑफ है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, कि हमारा हक कश्मीर पे है या नहीं है और उनका हक कितना बनता है कश्मीर पे, उसका जवाब इस सरकार को सकारात्मक तरीके से चला के देना है। अगर ये सरकार गिर जाती है रवीश, ये सीरियस इशू है, तो कल को ये पता, ये लोग पूरी दुनिया में प्रचारित किया जाएगा कि टू नेशन थ्योरी सक्सेसफुल हो गई। पर इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी राम माधव जी का इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस, देखिए राम माधव को छोड़िए, इनको छोड़िए, देखिए वो एक इस पे जब प्रधानमंत्री बोलेगा, राजनीतिक गठबंधन कर रहे हैं, इस पे जब प्रधानमंत्री बोलेगा, जब मैं मानूंगा प्रधानमंत्री और मुफ्ती साहब के बीच में लंबी बातचीत हुई थी सरकार बनने से पहले, उस बातचीत का ब्यौरा मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर उस बातचीत का ब्यौरा ये है कि हमने इन एबरेशंस को
भटकाओ को नजरअंदाज कर इस सरकार चलानी है। देखिए, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रहित में ये सरकार चलनी चाहिए। मैं पास नहीं गया हूं, बुखारी साहब भी कह रहे हैं कि पहले होता रहा है। देखिए, एक मेरे पास एक सुविधा है कि मैं भी भड़क भड़क कर आपसे सवाल पूछूं कि उसे अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है, और बिरयानी वाला आप उसको गिरफ्तार करके हीरो बनाएंगे, क्या जरूरत है उसकी भाई। लेकिन फिर भी ये एबरेशन आप क्यों, जो विनोद ये बात कह रहे थे। नहीं, पहली बात तो है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है एक बहुत स्पष्ट बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि मैं भी देश के आक्रोश को शेयर करता हूं, और मशरत आलम वाले केस में ही दिया था। समेत एक बात मैं बोलता हूं बीच में, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में यह कहा है कि ये भारत के इतिहास में सबसे अहम पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है। आप उस वक्तव्य पर जाएं, दूसरे पे मत जाएं। और चूंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, तो इसको राष्ट्रहित में सक्सेसफुल करना पड़ेगा, भले इसकी शोहरत पीडीपी को मिले, बीजेपी को मिले, लेकिन कश्मीर पे, कश्मीर के कश्मीर पे सेकुलर इंडिया का जो अधिकार है, जो जो हमारा आर्गुमेंट है वहां पर कि जिसको वो कोर डिस्प्यूट कहते हैं, वो हमारे नेशनहुड के कोर पे है। ठीक है, देखिए बड़ा स्पष्ट इसमें है, महत्वपूर्ण विषय है जिसमें विनोद जी से कॉन्कर करता हूं कि इस अलायंस को सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में एक जैसा मैंडेट मिला है, घाटी में एक मैंडेट और जम्मू में एक मैंडेट, इन दोनों का सक्सेसफुल होने का अर्थ होता है द रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री गेट्स अ मैंडेट कि हाँ ये मिलकर रह सकते हैं। इसलिए मैंने दो शब्द कहे थे, पेशेंस और मैच्योरिटी, इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। मगर भी नहीं दिख रही ना, अगर आपने इतना साहसिक अलायंस किया है तो आप भी अपने पुराने रेटोरिक के दबाव में क्यों बहते हैं? आप भी नई बात कीजिए, जैसे मणिशंकर अय्यर कर सकते हैं डिफेंस, वैसे आप नई बात क्यों नहीं कर सकते? अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्यों नहीं समझाते? क्यों आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से समर्थन रखने वाले लोग पता नहीं कौन कौन इस तरह के व्हाट्सएप पे मैसेज फैला रहे हैं? इसमें दो चीजें बड़ा मैंने आपको शुरू से ही कह दिया कि देखिए, आईन जो देश का है, कानून जो देश का है, वो सर्वोपरि है, उसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। देखिए, रोज सुबह जो हम बाइट देते हैं, लॉ विल फॉलो इट्स ओन कोर्स, कभी कभी तो दिल के अंदर खुश मतलब हंसी सी आती है, रोज हम क्या कहते हैं, लॉ विल फॉलो इट्स ओन कोर्स, मगर जब हम सोचते हैं तो लगता है कि कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस है, डेफिनेटली लॉ शुड नॉट गो टू गोल्फ कोर्स, उसे अपना कोर्स लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर। इंजीनियर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस अलायंस का इम्तिहान यह है कि मसरत आलम को अगले 24 घंटे में अगला प्राइम टाइम शुरू होने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए? नहीं, पहले मैं दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। एक ये कि ये क्यों हुआ, और दूसरा जो हुआ क्या वो सही था या गलत था। ठीक है, 47 से लेकर आज तक हिंदुस्तान की सरकार ने, मरकजी सरकार ने अरबों रुपया कश्मीर में दे दिया, लोगों को अपनाने की बात की, लेकिन आज आपको एतराफ करना चाहिए कि वी हैव फेल टू विन माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ कश्मीरी पीपल, हैव पेशेंस टू लिसन मी। मेरी ये गुजारिश है, अगर आप कहते हैं कि 71% वोट पड़े, 80% वोट पड़े, अलगाववाद, उग्रवाद, बाकी चीजें, त्राल में मानते हैं जो फौज ने कल वर्षन दिया, एक मिलिटेंट मारा गया, अगर वो मिलिटेंट था, लेकिन एक मिलिटेंट के मरने पर हजारों लोग क्यों निकल के आए? इस चीज का फैसला हिंदुस्तान के पॉलिसी साजों को करना है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और इशू क्या है। सिर्फ मीडिया के टीवी चैनलों में बैठ के हमें मसला है, मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात, एक मिनट प्लीज, दूसरी बात जो कल मसरत आलम या गिलानी साहब के जलसे में हुआ, चलिए ठीक है, हम 87 MLA हैं, हम मानते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मुझे एक चीज आप बताइए, अगर आप सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन इतिहास को आप भूल नहीं सकते, तारीख को नहीं भूल सकते, आपको यह मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर एक इशू है। आपकी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन कहती है सारा कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर मेरी शहरग है, हमने असेंबली में 25 सीटें रिजर्व रखी है, पाकिस्तानी आजाद कश्मीर जिसको बोला जाता है या पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर बोलते हैं, और पाकिस्तान कहता है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं। जब आप यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन देख लेंगे तो उस हिसाब से अगर कोई यहां ये कहे, उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या पाकिस्तान या हिंदुस्तान, और कुछ इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ इलाका हिंदुस्तान के कब्जे में है। मेरी ये राय है, आप सब्र से ये बात सुन लें, अगर कल पाकिस्तान वाले कश्मीर में कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है तो यूएन रेजोल्यूशंस के हवाले से वो कोई गद्दार नहीं बनता। इसी तरह अगर
इस वाले कश्मीर में कोई ये कहे कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए तो उस चीज से वो गद्दार नहीं बनता, सिर्फ हमारे चिल्लाने से। और जब तक आपने ये कहा 71% वोट पड़े, लेकिन वो वोट पड़े हैं सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, क्योंकि जब लोग इलेक्शन में वोट मांगने के लिए जाते हैं, चाहे मुफ्ती साहब जाए, इंजीनियर रशीद जाए या पीडीपी जाए, हम सब लोगों से कभी ये नहीं कहते अगर आप ये वोट हमें दे दोगे तो कश्मीर का मसला हल होगा। जो आपने मसलत आलम की बात की, माजद से आपको एक अर्ज करता हूं जनाब, आज तक कोई ऐसा हादसा हुआ है कि उस तरफ के कश्मीर ने में किसी ने पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला हो? वहां पर क्या वो फ्रीडम है? देखिए मेरी बात सुन लीजिए आप ध्यान से, अरे अरे शांति से सुने, अरे आप ही की बात कर रहे हैं, आप ही की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि मेरे बगल में मेरा जो दोस्त बैठा है ना, सुन तो लीजिए सर, अरे सर सुन तो लीजिए, कश्मीर में तो आप तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, सुन लीजिए, ये मेरे नाकाम हो चुके हैं, सुन लीजिए, आप जंग हार चुके हैं, सुन लीजिए, वहां पर किसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहा। अरे भाई सुन तो लीजिए, आप बोले जा रहे हैं, अरे सर सुन लीजिए ना, हाँ ठीक है, अरे धीरे कर देते हैं, चलिए प्यार से सुन लीजिए। ये मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा है, 2004 में हम लोग उस तरफ के कश्मीर गए थे, सारे इकट्ठे थे हम, और वहां पर चूंकि मैं उस टीम का लीडर था, मुझे मकबूल भट्ट का भाई मिला, जहूर भट्ट, और उसने कहा जी हमें तो उस तरफ जाना है, हमें एमनेस्टी आप दिलवा दो। तो हमारे पास तो कोई ऐसा अख्तियार था नहीं, तो हमने उसको पूछा सिर्फ एक सवाल के, भाई क्यों जाना चाहते हो उस तरफ वापस, तुम तो बंदूक उठा के इस तरफ आए थे। तो उसने कहा जी देखिए ऐसा है कि हमको जो अपनी बात कहने का अधिकार उस तरफ है, फ्रीडम है, वो हमको इस तरफ नहीं है, इसलिए निवेदन करता हूं भाजपा से और पॉलिटिकल पार्टी से कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र को इससे बढ़िया एक साथ नहीं होगा, आप एक साथ बोलने दीजिए पहले, फिर हिंदुस्तान की लोकतंत्र को इतना इससे बड़ा एंडोर्समेंट नहीं मिल सकता है सुष्मिता जी, कि वहां पर खड़ा होकर कोई आदमी अकेला भी हो तो अपनी बात कह सकते हैं, अलग जाना चाहता है जाए, लेकिन हम उसको अगर जेल में डालेंगे तो उसको हीरो बनाएंगे, अपने लोकतंत्र को विनोद बार बार कह रहे हैं, सुष्मिता जी विनोद बार बार कह रहे हैं कि जेल में डालना, अब इंजीनियर साहब भी कह रहे हैं, इंजीनियर साहब मैं आपकी आवाज को धीमे कर रहा हूं, प्लीज सर, ये हल नहीं है। जो कश्मीर की समस्या की अपनी जटिलता है उसको देखते हुए ऐसे मौके को भटकाव विचलन एवरेशन के तौर पर लिया जाना चाहिए, एक आलोचना से ज्यादा भावुकता के मुद्दे में नहीं बदलना चाहिए, जैसी गलती कभी बीजेपी करती रही है, अगर वो गलती है तो। रवीश जी मैं एक वक्त कम है, सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिस इज अ न्यू एक्सपेरिमेंट, अब सवाल ये उठता है कि जम्मू एंड कश्मीर का भविष्य क्या है इन द नेक्स्ट 5 years। एक चीज का सिर्फ जो आशंका मुझे नजर आती है कि अगर राइट हैंड कहे कि लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम क्या हो रहा है, आज इस डिबेट में हो या जो राजनाथ सिंह ने सदन में भी कहा है कि हमें इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी, हमें मालूम नहीं था, ये कैसे हुआ हमें नहीं मालूम, आज जो राम माधव जी कह रहे हैं उनके दिल में भी आशंका है कि भविष्य में क्या होगा, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट, मैं आशा करती हूं कि अगर ये अलायंस नेक्स्ट 5 years चलनी है जम्मू एंड कश्मीर के भविष्य के लिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट का हटना जरूरी है फॉर बीजेपी एंड पीडीपी।